नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके घर में हाहाकार मचेगा, आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंताओं में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आकर घर पर ऐसी बड़ी आफत आने वाली थी, एक ऐसा बड़ा घटना होने वाला था जिसके चलते आपका घर परिवार बिखर जाता, आपके घर में बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों ने आपके जीवन में समस्याओं को भेज रहा था, जिन लोगों ने आपके घर परिवार के ऊपर गोरी नगर डाला था, इन लोगों ने आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए सोच रखा था। अब उनका चाल उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो लोग आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही बर्बाद होने जा रहे हैं। आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने बहुत ही बड़ा व भयंकर मुसीबत आपके घर पर डालने के लिए सोच रखा, और उसने कोशिश भी बहुत किया है। आप बिल्कुल सही, आपको आगे बताएंगे वह व्यक्ति कौन है जो आप इतने बड़े मुसीबत में डालने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनका कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिन पर देवों के देव महादेव का आशीर्वाद हो, उस व्यक्ति का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहता है, वह चाहता है कि आप हमेशा परेशान रहें। आप अपने जीवन में वह की संतुष्ट रहते हैं, आपको जो भी खुशी मिलती है उन्हें खुश हो जाते हैं। भले ही आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो, लेकिन लोगों को यही लगता है कि आप तो ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आपके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान होती है, जिसके पीछे बहुत ही गहरा दर्द भी छुपा होता है, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पाता। दोस्तों, आप सभी यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। आप मन ही मन बहुत ही परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी को नहीं बताते हैं। लोग आपके लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ देवों के देव महादेव, आपका विश्वास जी देवों के देव महादेव में है। इसलिए आप ही ऊपर जो बड़ी मुसीबत आने वाली थी वह अब चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को प्यारा सेठ लाइक जरूर करें कि आप अपने सच्चे मन के भाव के साथ कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, महादेव का साथ होगा आपके घर परिवार पर, जो बड़ी मुसीबत आने वाली होगी पहले ही समाप्त हो जाएगी। घर परिवार में महादेव का कृपा बना रहे तो आप जरूर लिखेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार का व्यक्ति कौन था जो आपको आपके परिवार के ऊपर बुरी नजर डाला था। आपके जीवन में कोई बड़ा साल चल रहा था जो आपको बर्बाद कर देता। फोटो बैग दूर का नहीं है, बल्कि आपके आसपास का ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके हर कार्यों पर नजर बनाए रखता है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सब चीज उनके नजरों में रहता है। और दोस्तों, यह आप समझ सकते हैं कि आप ही आसपास का ऐसा कौन सा व्यक्ति है। आपके पर्सनल यानी कि आपके निजी जीवन में बहुत ही ज्यादा दखल अंदाजी करता है, किसके चेहरे पर आकर खुशी को देखने का रंग उड़ जाता है। उस व्यक्ति को दोस्तों आप बखूबी जानते होंगे, उसके जीवन को खत्म करने का प्रयास किया था। आपके घर पर कुछ बुरी परेशानियां भेजो, आपके ऊपर कोई बड़ा जादू किया था जिसे महादेव ने खत्म कर दिया है। आपके ऊपर जो भी बाधाएं आने वाले थे, आपके परिवार के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसा वह व्यक्ति चाहता था। अब आपके जीवन में सब कुछ सामान रहने वाला है, लेकिन आपको इस समय में बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, गलती नहीं करना। आपको बता दें कि दोस्तों, पर आप अपने घर से निकलते समय रास्तों की और पूरा ध्यान बनाए रखें। यदि आप हो, आप या तो रास्ता बदल दे या तो कोई चीज अगर गिरा हो तो उसे लागे ना, आप अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक इस बात का विशेष ध्यान रखें, को आगे बढ़ाएं।
वैसे तो दोस्तों अब आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। इस समय आपके परिवार की जिम्मेदारी आपको पूरी करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आने वाले समय आपको सबके जरूरतों का पूरा ध्यान रखना होगा। क्योंकि कोई भी आपने अपने परिवार में किसी से वादा किया था, तो अब समय है कि आप अपने वादे को पूरा कर दिखाएं। परिवार में इस समय किसी के द्वारा कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। आपके घर परिवार तो मोहन आपके लिए आनंद में रहने वाला है। छोटी मोटी मतभेद होंगे, लेकिन आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखदायक है। घर परिवार के किसी सदस्य का कोई बहुत बड़ा सपना भी साकार हो सकता है। उसके साथ ही वैवाहिक जीवन के विकास के लिए रोमांच से भरपूर रहने वाला है। आपका जीवन साथी आपका पूरा ख्याल रखते नजर आएगा, आपके जरूरतों का पूरा ध्यान रखेगा के साथ ही आपका जीवन साथी आपके ऊपर पूरा स्नेह दिखाने वाला है, जिसे देखकर आप भी उनके प्यार में पूरी तरह से डूब जाएंगे। दोस्तों, जो लोग नया नया विवाहित है, उन्हें संतान सुख का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, और यदि आपका कोई छोटा बेटा या बेटी है, उनके द्वारा आपको खुश करने वाली हरकतें दिखाई दे सकती हैं, जिसे देखकर आप बहुत ही ज्यादा खुशी में डूब जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में होने वाला है समय, छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, जो लोग स्थिति को कोई बड़ा मौका हाथ लगता है, आप पूरा होता हुआ बिजनेस के सिलसिले में, अपने व्यापार के सिलसिले में, लेकिन बेहतर होगा कि आप कुछ समय इंतजार करते हैं, क्योंकि यदि आप किसी से उधार लेंगे, आप अपना एहसान दिखाने लगेगा, इसलिए किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से आपको इस दौरान बचना होगा। वहीं यदि आपसे कोई धन उधार मांगने आए, इस दौरान आप उन्हें नजरअंदाज करें, क्योंकि आपके वापस मिलने की संभावनाएं बहुत कम नजर आएंगे। तो आप भी बहुत से धन को अपने पास लाते हैं, और जब आपका ही धन कोई और लेकर चला जाएगा तो बहुत ही दुख होगा। सबका पैसा कैसा होता है, इसलिए इस बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। यदि कोई कानूनी मामला आपके जीवन में चल रहा है, तो आप होना बहुत ही सावधानी रखनी। व्यापार में आके रुके हुए काम इस दौरान पूरे होने वाले हैं। जो लोग कैरियर को लेकर परेशान चल रहे थे, उन लोगों को इस दौरान कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो ना किसी योजना में धन लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको उसकी नीति व नियमों का पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके साथ आ सकता है। इस समय यदि आप कहीं घूमने फिरने के लिए घर से निकलेंगे, तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त सदस्यों का सहयोग व साथ आप भरपूर मात्रा में मिलने वाला है, जिसके लिए आर्य कार्य को पूरा कर कामयाबी हासिल करेंगे। अपना यह समय मित्रों के साथ कुछ मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे, तो आपके मन में चल रही कई सारी चिंताओं से आप छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, क्षेत्र आप चिंता में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय किसी बात को लेकर मन ही मन परेशान हो सकते हैं। कोई बेचैनी आपको हो सकते, आपका मन कई कामों में नहीं लगेगा। अब दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो उनका समाधान निकाल लेना कि अब मन ही मन परेशान है, कि अपने खास है, किसे बातचीत करें या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों का यह समय उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। इस समय आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में किसी के साथ आपका वाद विवाद होने की भी संभावना है, इसलिए बेहतर हो कि आप इस दौरान अपने पढ़ाई से मतलब रख के दौरान दोस्तों आपके घर में किसी सदस्य के साथ में कुछ गिरावट देखने को मिल सकता है। आप किसी के भी सेहत को हल्के में ना ले, समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय आपका कुछ सोचा हुआ काम भी पूरा होगा। आपके जीवन में उत्साह से भरा रहने वाला है। इस दौरान आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा सा साधन भी खर्च कर सकते हैं, जिसे देखकर आपके साथ हूँ परेशान होने वाले अपने घर को मरम्मत या घर के अधूरे पड़े कार्य को पूरा करवा सकते हैं, जिसके साथ आप इस दौरान तय करने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान भविष्य की योजनाओं को बनाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। क्षेत्रों में बड़ी खुशियां लेकर आ रहा है।
आपको नौकरी में अपने कामों में देने से बचना होगा। अपने कार्यों को किसी के ऊपर नहीं रुकना होगा। अपने कार्य को किसी के ऊपर निर्भर होकर नहीं करना है, नहीं तो आपके विरोधी आपके काम को बिगाड़ने के लिए खड़े हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखें, आपके विरोधी आपकी खुशियों के भरे पलों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। इस बात का बहुत ही सावधानी रखें। आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर मनोरंजन कार्य हो सकते हैं, जहां पर घर परिवार के परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। इस समय आपके घर का कोई छोटा बच्चा आपसे किसी वस्तु करता है तो आपकी फरमाइश को पूरा कर सकते हैं। व्यापार में आपको कोई बड़ा डील फाइनल मौका मिल सकता है। दोस्तों, इस दौरान यदि आपकी आंखों में कोई संबंधित समस्या है, उसके प्रति जागरूक रहें। डॉक्टर के पास बरामद जरूर लें। यदि आप पहले से कर्जदार हैं आपके ऊपर कर, तो आप उसे काफी हद तक उतारने में इन दिनों में कामयाब रहने वाले हैं। इस समय आपके जीवन में आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर होने वाली है, जिसे लेकर आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। लेकिन जान की स्थिति बढ़िया होने के कारण आप अपना ध्यान फिजूल खर्ची की ओर भी लगा सकते हैं। ऋण जीवन में जी रहे लोगों में यदि किसी बात को लेकर आपसी तनाव भी आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से समाप्त हो जाएगी। आप दोनों के बीच दूरियां हैं, वह दूरियां समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने दोनों के बीच किसी अजनबी व्यक्ति को ना लाएं। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप दोनों ही किसी भी अजनबी व्यक्ति से बात ही ना करें और ना ही करवाने का प्रयास किया कि आपके रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर सकता है। अजनबी व्यक्ति से अपने जीवन को दूरी बनाकर रखें। इस समय आप अपने संबंधों के बारे में किसी भी व्यक्ति को ना बताएं, नहीं तो वह व्यक्ति आपके घर तक आपसी संबंधों का भात ले आ सकता है। इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। दोस्तों, आपको बता दें कि सारे महत्वपूर्ण बातों में चर्चा करते नजर आने वाले हैं। आप दोनों भविष्य से जुड़ा कोई योजना बनाते नजर आने वाले हैं। प्रेम जीवन में सुख शांति से यह समय आपका बीतने वाला है। लेकिन यदि आप भी फैसला लें, बहुत ही सुंदर के लिए आपके पास लव से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनने को, आपका मन प्रसन्न रहे। तो चलिए दोस्तों जी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यदि आप किसी ने मकान दुकान वाहन की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, इस समय आपकी यह योजना सफल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई संपत्ति से संबंधित विवाद लंबे समय से चल रहा है, उसमें कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके इस बात को बारीकी से पकड़ सकते हैं। आपके जीवन में किसी क्षेत्र से खुशी प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आंखों में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते खर्च करते समय आपको के जेब का भी ख्याल अवश्य करना होगा। आप कुछ क्षेत्रों के मामलों में भागदौड़ से भरा रह सकता है। आपको कुछ जरूरी काम हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।